अल्लाह ताला हर बंदे से मिलकर के उसको क्यों नहीं कहता नमाज पढ़, ज़कात दे, रोजा रख, हज कर। एक एक बंदे से क्यों नहीं मिलता है? मिल सकता है, है किसी की हिम्मत अल्लाह से मुलाकात करने की? वमा काना लिबशर, नहीं मुमकिन है किसी बशर के लिए, अय्युकल्लिमहुल्लाह, के बात करे उससे अल्लाह। ये बंदा एक मुश्तखाब, अल्लाह उससे बात करे मुमकिन नहीं। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों को मुंतखब करता है, उनसे बात करता है। कैसे करता है? इल्ला वहयन, या तो वही के जरिए करता है, और मिन वराए हिजाब, या पर्दे के पीछे से करता है, और युरसिला रसूला, या किसी फरिश्ते को भेज करके करता है। ये तीन किस्में हुई, और लास्ट वाली की दो बनेंगी तो चार हो जाएंगी। सबसे पहले अल्लाह वही के जरिए से बात करता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह वही आती थी? बुखारी इब्तदा यहाँ से हुई, कैफा बदउल वही, वही किस तरह शुरू हुई आपके ऊपर? फरमाया सबसे मुश्किल तरीक़ा वही का यही होता है, अल्लाह की तरफ से बराए रास्त एक मजमून दिल के ऊपर उतरता है, और हमें ऐसा लगता है जिस तरह एक जंजीर को पत्थर पर रख कर के खींचा जा रहा है, और जब वो मजमून पूरा होता है सबका सब हमको याद हो गया होता है। ये है वहयन, अल्लाह की तरफ से वही के जरिए से। और आपने फरमाया यही सबसे मुश्किल तरीका है। सख्त सर्दी के मौसम में ये वही आप पर आती थी, आप पसीने से शराब बोर हो जाते थे। एक ऊँटनी पर आप थे, वही उतरने लगी, ऊँटनी की कमर टूटने लगी। एक सहाबी की रान पर आपका सर था, वही उतरने लगी, वो कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रान टूट जाएगी। दूसरा तरीका, अब मैं वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से, किस तरह? जिस तरह मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने बात की मगर पर्दे के पीछे से। हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, आपसे अल्लाह ने कैसे बात की आमने सामने के पर्दे के पीछे से? ये बड़ा मसला है। हज़रत आयशा अब्दुल्ला बिन मसरूद फरमाते हैं पर्दे के पीछे से, और अल्लाह ने उस मौके पर आपको आमन रसूल सूरह बकरा की आयतें आखिर तक अता फरमाई, ये पर्दे के पीछे से। तीसरा तरीका, और युरसिला रसूला, या अल्लाह फरिश्ते को भेजता है। फिर फरिश्ता कैसा? कभी तो इंसानों की शक्ल में आता है, जैसा कि मैंने आपको हदीस जिब्राइल में सुनाया, बाकायदा इंसान की शक्ल में आए हजरत जिब्राइल, सफ़े चीरते हुए सबसे आगे आकर आपसे घुटना से घुटना मिला करके बैठ गए। इस तरह भी फरिश्ता आता है, कभी कभी इस तरह आता है, आप तो फरिश्ते को देखते हैं मगर और कोई नहीं देखता है। मगर फरिश्ते को आपने असली शक्ल में कितनी मर्तबा देखा? तकरीबन उम्मत का इत्तेफाक है सिर्फ दो मर्तबा, मगर कितना, इतना बड़ा कि लगता था इस पूरी मशरकी पट्टी के ऊपर वो एक कुर्सी पर बैठे हैं, और उनके 600 पर हैं, पूरा ये इलाका घेरा हुआ है। अब वो कितने बड़े थे, वरना जब भी आए इंसानी शक्ल में आए। वो वही करते हैं अल्लाह के हुक्म से, मा यशा, जो अल्लाह चाहता है। ऐसा क्यों हुआ? इन्नहु अलीयुन, इसलिए कि अल्लाह बहुत बुलंद है, ऐरे गैरे नतु खैरे उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन हकीम हिकमत वाला है। उसकी हिकमत का तकाजा हुआ कि ख़ास बंदे मुंतखब करो रसूल, उनको ये पैगाम पहुँचे और वो आगे लोगों को पहुँचाएँ। फरमाया इन तरीक़ों से आपके पास वही आती है। वकदालिका, और इसी तरह ओहैना, हमने वही भेजी ले का आपकी तरफ, रूहम मिन अमरिना, अपनी तरफ से रूह बनाकर। रूह का मतलब, ये कुरान एक रूह है, जिस तरह रूह पढ़ने से मुर्दे जिंदा होते हैं, इस कुरान के मिलने से मुर्दा इंसान जिंदा होते हैं। ये एक
जिंदा जावेद किताब आपको अदा की गई, नहदी बिही, इस किताब के जरिए से अल्लाह हिदायत देता है। हम हिदायत देते हैं, मन नशा, जिसको चाहते हैं, मिन इबादिना, अपने बंदों में से, और हम इस किताब के जरिए से हिदायत देते हैं। वह इन्नका, और ऐ मेरे पैगंबर, बेशक आप भी लतहदी, ज़रूर रहनुमाई करते हैं, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। कौन सा